नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आशा करता हूँ आप सब इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे होंगे और घर पर बैठ के खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसकी जो पोएम है माई मदर एट 66, इसका पार्ट 4 हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमने ये देखा था कि इसमें जो हमारी लेखिका है कमला दास, हमारी जो पोएट्रेस है कवि कमला दास, उन्होंने अपनी मदर के बारे में लिखा। ऑलरेडी हम इसके 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज हम इसका 4th वीडियो लेके आए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको ये माय मदर एट 66 के 3 वीडियो मिल जाएंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि इस पोएम में, जिस पोएम को देखो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इसके जो पोएटिक जो डिवाइस है वो आज हम देखेंगे। पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच, कि इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो लेट्स फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस पोएम। अब देखिए, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? देखिए, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहा जाता है, इसको कहा जाता है अलंकार। अब अलंकार, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे जिस तरह नारी की जो सुंदरता होती है वो आभूषणों से होती है, उसी प्रकार जो हमारे जो काव्य है उसकी जो सुंदरता होती है वो फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार से होती है। यानी कि किसी भी कविता को या किसी भी उसको सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है और कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है, जो जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ किया गया है वो किया गया है पर्सनिफिकेशन, जिसे हिंदी में मानवीयकरण कहा जाता है। मानवीयकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी जो नॉन लिविंग जो थिंग होती है, नॉन लिविंग थिंग को मानव बनाकर पेश करना, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। यानी कि किसी भी वस्तु को मानव का रूप दे देना। तो इसमें देखिए, इस में दिस डिवाइस इज यूज टू बेस्टो ह्यूमन क्वालिटीज, यानी कि मानवीय गुणों का यूज किया जाता है ऑन समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन, उस चीज के ऊपर जो ह्यूमन नहीं है या मानव नहीं है। यानी कि वस्तुओं यानी थिंग्स को या ऑब्जेक्ट्स को पर्सन बना के इसे यहां पर प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो इन दिस पोएम द पोएट यूजेस द डिवाइस ऑफ पर्सनिफिकेशन विद रेस्पेक्ट टू ट्रीज। इसमें क्या करते हैं हमारे जो लेखिका है वो क्या करती है कि ट्रीज को मानव बनाकर प्रस्तुत कर रही है। और उन्होंने लिखा इसमें ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि पेड़ जो है वो तेज दौड़ रहे हैं। अब आपको भी पता है कि पेड़ दौड़ नहीं सकते क्योंकि वो तो स्थिर होते हैं, उनकी तो जड़ें होती हैं, वो एक जगह पर ही रहते हैं। तो अब दौड़ने का काम किसका है? दौड़ने का काम तो मनुष्य का है, यानी कि उसको पर्सनिफाइज किया गया है। तो सी इमेजिन द ट्री ऑर टू बी फिगर दैट आर रनिंग अलोंग साइड हर कार। और उन्होंने ये इमेजिन किया कि उनके बगल में या उनकी कार के बगल में जो पेड़ खड़े हैं वो दौड़ रहे हैं। सिग्निफाई विगोर एंड फ्रेशनेस। जो अब आपने देखा होगा कि कोई भी मनुष्य जो दौड़ता है वो हेल्दी होता है, किसी की हेल्थ अच्छी होगी वही तो दौड़ेगा, साथ ही साथ उसमें विगोर होगा, उसमें पावर होगी, ठीक है। तो और फ्रेशनेस, उसमें ताज़ापन है। भाई आपको भी पता है, पेड़ जो है वो ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, तो उसमें फ्रेशनेस होती है। इट आल्सो रेफर्स टू पासेज ऑफ टाइम विच इज मूविंग फास्ट। और साथ ही साथ उनका ये जो है इस चीज़ का भी प्रतीक है कि समय जो है वो इन पेड़ों की तरह, जिस तरह ये जो पेड़ जो पीछे पीछे भाग रहे हैं उसी तरह जो हमारा समय भी है वो पीछे पीछे भाग रहा है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इस पिक्चर को मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि अब ये इस पिक्चर में देखिए जो पेड़ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे पेड़ बहुत तेजी से भाग रहे हैं, जबकि वास्तव में पेड़ नहीं भाग रहा, कार भाग रही है। और ये जो भागते हुए पेड़ हैं ये विगोर का और फ्रेशनेस का प्रतीक है, और साथ ही साथ ये भागते हुए समय को भी बताती है। तो इसमें जो हमारी पहली पोएटिक डिवाइस है, तो आपसे देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा
कि आपको किस कोई आपको एक लाइन दे दी जाएगी या कुछ लाइनें दे दी जाएगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा, यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया है, यानी कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दिस लाइन। तो अगर ये वाली लाइन आती है तो आपको बताना है कि इसमें पर्सनिफिकेशन का यूज किया गया है, इसमें पेड़ों को मानव मानकर उनको ह्यूमन रूप दे दिया गया है। दूसरा जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है सिमिली। अब सिमिली क्या होता है, देखिए दो एक फिगर ऑफ स्पीच तो होता है सिमिली और एक फिगर ऑफ स्पीच होता है मेटाफर। दोनों में क्या फर्क है? जैसे मैं कहूं आपसे कि यू आर एज ब्रेव एज लायन, कि आप उतने ही बहादुर हैं जितना बहादुर की शेर, यानी कि मैंने क्या किया कि आपकी बहादुरी की तुलना किससे कर दी, शेर से। तो जब हम एज का यूज करते हुए या लाइक का यूज करते हुए हम किसी की तुलना करते हैं, वो तो होती है सिमिली, ठीक है। यानी जैसे मैं कहूं कि महाराणा प्रताप फोर्ट एज ए लायन, यानी कि महाराणा प्रताप एक शेर की तरह लड़े, तो ये तो हो गया सिमिली। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि महाराणा प्रताप वाज ए लायन, महाराणा प्रताप वाज ए लायन, तो मैंने क्या किया कि महाराणा प्रताप को ही शेर बना दिया, उसे हम कहते हैं मेटाफर। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। तो सिमिली को तो हिंदी में कहते हैं उपमा और मेटाफर को कहते हैं रूपक। तो जब हम किसी को उपमा दे देते हैं किसी चीज की, एज का यूज करते हुए, लाइक का यूज करते हुए, तो उसे हम सिमिली कहते हैं। तो इसमें देखिए एक लाइन आई थी कि हर फेस एशियन लाइक, देखिए यहां पे लाइक आ गया, दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे कि कोई लाश हो, तो उनमें उनके जो चेहरे को एक लाश का चेहरा बता दिया। तो यहां पे जो हमारी जो राइटर है उसने सिमिली का यूज किया है, यानी कि इसमें सिमिली का यूज हुआ है। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, कि जैसे कोई लेट विंटर मून हो, यानी कि माँ के जो चेहरे को उन्होंने लाश का चेहरा और साथ ही साथ विंटर लेट विंटर मून से उसको क्या किया गया, उसकी तुलना की गई, उसको उपमा दे दी गई। तो इस प्रकार इसमें सिमिली का यूज हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है वो है रिपीटेशन। अब रिपीटेशन का मतलब होता है दोहरान, यानी कि किसी चीज को बार बार रिपीट करना। तो जैसे देखिए लास्ट की जो लाइन जो थी कि ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो इसमें देखिए जो स्माइल जो वर्ड जो यूज हुआ है उसको बार 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 रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें जो है वो रिपीटेशन का यूज किया गया है। आगे देखिए, तो अब तक हमने कितने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े? पहले तो हमने पढ़ा पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफिकेशन कहाँ है? ट्रीज स्प्रिंटिंग, इसमें जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग जो यूज हुआ है इसमें पर्सनिफिकेशन है, पेड़ों को मानवीकरण किया कर दिया गया है, पेड़ों को मानव मान के उनको दौड़ता हुआ दिखाया गया है। दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो उसमें सिमिली यूज हुई है, कौन से वाले सेंटेंस में? हर फेस एशियन लाइक ए लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, ठीक है। और तीसरा जो इसमें यूज हुआ है वो हुआ है रिपीटेशन का, इसमें बार बार स्माइल 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 जो वर्ड है उसकी बार बार रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इसमें जो तीसरा जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो रिपीटेशन यूज हुआ है। और फिर देखिए अगली जो पोएटिक जो इसमें डिवाइस यूज हुई है वो हुई है कॉन्ट्रास्ट की। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, ऐसा अलंकार जिसमें विरोधाभास हो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। विरोधाभास यानी कि आपकी जो बात है उससे उलट कोई सिचुएशन हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट। इसमें देखिए कि इनसाइड द कार इट वॉज डल ग्लूमी एंड लाइफलेस, देखिए कार के अंदर तो माँ है जो वो बिल्कुल डल है, बहुत ही ग्लूमी है, बहुत ही एक तरह से लाइफलेस है, और आउटसाइड कार के बाहर वॉज फुल ऑफ लाइफ फ्रेशनेस एंड विगोर, पेड़ भी हैं। भाई आपने उसमें वो सेंटेंस देखा होगा, देखिए हम वापस उसी सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए ये इसमें जो कार के उनकी जो कार के अंदर तो उनकी माँ जो है वो ओपन माउथेड एशियन लाइक ए कॉर्प्स विद रियलाइज विद हिज विद पेन, और यहाँ पे देखिए कि कार से बाहर का जो दृश्य है उसमें बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं,
और पेड़ भाग रहे हैं, तो ये सब एक ताजगी का प्रतीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब दो विपरीत विचारों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है उसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो आपने इसमें देखा कि एक तरफ तो कार के अंदर जो है वो तो जो माँ का डल चेहरा है, और कार के बाहर जो है पेड़ हैं, बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन पोरिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। तो एक तो कॉन्ट्रास्ट वहां यूज किया गया है, और दूसरा कॉन्ट्रास्ट कहाँ यूज किया गया है कि द पोएट यूजिंग कॉन्ट्रास्ट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ क्लियरली कम्स एट द वेरी एंड ऑफ द पोएम। बिल्कुल लास्ट में उन्होंने इस कॉन्ट्रास्ट का यूज किया है कि उनके अंदर के दिल के अंदर तो बहुत ज्यादा पीड़ा है अपनी माँ के प्रति, कि द सोरो इन हार्ट इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द स्माइल शी हैज ब्रेवली पुट ऑन हर फेस एज शी सेज गुड बाय टू हर मदर। तो जैसे ही हमारी जो राइटर है अपनी माँ को गुड बाय बोलती है, तो उनके एक तरफ तो उनके मन में तो है बिल्कुल सोरो, लेकिन वो शो क्या कर रही है, वो शो कर रही है स्माइल को, यानी कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो आपने देखा कि अंदर भयंकर माँ के प्रति दर्द होने के बावजूद भी जो हमारी जो लेखिका है वो बाहर से मुस्कुरा रही है। तो यहाँ पे भी जो हमारी राइटर है उसने कॉन्ट्रास्ट का यूज किया है। और इसमें देखिए इमेजरी, इमेजरी का मतलब होता है आप किसी चीज को कल्पना कर लेते हैं या कुछ चित्र बना देते हैं। एक आर्टिफिशियल होता नहीं है, लेकिन एक वो आपको उस चित्र को मतलब कल्पना करने पे मजबूर कर दे, उसे हम इमेजरी कहते हैं। तो देखिए इमेजरी काफी अच्छी यूज की हुई है इसमें। पहली इमेजरी जो यूज हुई है भागते हुए पेड़ों की, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, कि हंसते हुए जो बच्चे खुशी खुशी वो घर से बाहर आ रहे हैं, पेड़ चल रहे हैं, और सिम्बलाइज हैप्पीनेस जो किसका प्रतीक है, खुशी का, स्ट्रेंथ का, विगोर का प्रतीक है। इट सिग्निफाइज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और ये जीवन के निरंतीकरण को महत्व देता है। यानी कि आपके सामने एक इमेज प्रस्तुत की गई थी जो वास्तव में एक संदेश देना चाहती थी कि जो भागते हुए पेड़ हैं या बाहर घर से जो बाहर आते हुए जो बच्चे हैं वो किस चीज का प्रतीक है, वो जो है वो स्ट्रेंथ का, विगोर का और हैप्पीनेस का प्रतीक है, जबकि कार के अंदर का जो दृश्य है वो सैडनेस का प्रतीक है। तो एक तरह से आपके सामने इमेजरी प्रस्तुत की गई। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें सिमिली कहाँ यूज हुई है, कि हर फेस एशन लाइक ए कॉप्स वैन पेल एंड एज ए लेट विंटर मून। और इमेजरी कहाँ यूज हुई है इसमें, कि भागते हुए पेड़, यंग ट्री आउटसाइड द कार, मैरी चिल्ड्रन, यहाँ पे इमेजरी। और कॉन्ट्रास्ट फीलिंग कहाँ यूज हुई है, कॉन्ट्रास्ट फीलिंग वहाँ यूज हुई है कि कार के अंदर तो एक माँ का जो लाश के बराबर जो बॉडी पड़ी है कार से बाहर, वो भी एक तरह से। अब इसमें देखिए इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस पोएम में कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं करता, कोई इसमें राइम स्कीम नहीं है, बिल्कुल फ्री वर्स यानी मुक्त छंद है। मुक्त छंद यानी कि एक बिना किसी राइम स्कीम का ध्यान रखे हुए इसको लिखा गया है, और साथ ही साथ पूरी जो पोएम है वो वन सेंटेंस है, वन सेंटेंस में पूरी पोएम को लिखा गया है। तो आज आपने देखा कि इस पोएम में किस किस प्रकार जो है पोएटिक डिवाइस को अच्छे से यूज किया गया है लेखिका के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके जो एग्जाम में आए हुए सेंटेंसेस हैं जिनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी थी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा गया था, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।